नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में कोरोना का बुलेटिन देखेंगे। आज एक बार फिर छतरपुर में कोरोना के 7 नए संक्रमित सामने आए हैं। इनमें चुनावी क्षेत्र बड़ा मलहरा से भी संक्रमित हैं। लबकुशनगर में एक शिक्षक संक्रमित हुए हैं तो वहीं राजनगर में एक CISF के जवान में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देखिए आज की कोरोना रिपोर्ट। शुक्रवार को छतरपुर जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। जिले में एंटीजन किट से 6 और BMC की रिपोर्ट में 1 पॉजिटिव की पहचान हुई है। जिले में 133 एंटीजन किट की जांच में बड़ा मलहरा में पॉजिटिव पाई गई 78 वर्षीय महिला के एक 83 वर्षीय पति और किराएदार 39 वर्षीय ANM व उनके 19 वर्षीय बेटे में संक्रमण मिला है। इसी तरह छतरपुर जिले के राजनगर में एक CISF के 24 वर्षीय जवान और लबकुशनगर के 40 वर्षीय शिक्षक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं गौरिहार में 36 साल के युवक में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। इधर BMC से भी एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिजावर का एक 15 वर्षीय किशोर कोरोना संक्रमित मिला है। शुक्रवार को आए 7 मामलों के साथ अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1498 हो चुकी है, जिसमें 1425 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 5 मरीज समेत 6 पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज किए गए। जिले में अब कोरोना संक्रमण के 44 एक्टिव केस हैं। अब तक 37498 लोगों की सैंपल जांचें की गईं, जिसमें से 35310 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।